खबर मिला था सिर्फ इंफॉर्मेशन पुलवा में वोटपा नैन अवतपुरा में पुलिस आर्मी डाला और दो टेररिस्ट मस्जिद में घुस गए, फिर उसके बाद फायरिंग कर दिया पुलिस पार्टी पर। फिर मस्जिद से हट के एक स्ट्रक्चर था सेपरेट, उसमें घुस गया। हम लोग बहुत अपील किए, बाहर नहीं निकला, फिर टीएस मोक से यूज किए, कुछ फायरिंग भी हुआ रिटेलिएशन में, उसमें दोनों टेररिस्ट मारा गया, दोनों लोकल टेररिस्ट है लश्कर के वाला। सर कई टाइम जो अभी हुआ है इस जो टीम को हम लोग हमारी पुलिस पार्टी इसको जो गार्ड को अटैक करके उसका विफल फेस करने, फिर पुलिस पार्टी पर देखते ही उसने फायर किया। पुलिस पार्टी जैसा आप लोग देखेंगे ब्लड के स्टैंड है पुलिस हमारे पोस्ट बगल में, पुलिस ने रिटेलिएट किया जिसमें एक पाकिस्तानी मिलिटेंट मारा गया है। यह पिछले 6 महीने से श्रीनगर में एक्टिव था, बहुत सारे किलिंग इन्वॉल्व है, इसका वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें इन्होंने कुछ आप लोग देखे होंगे कुछ सीओ पर अटैक करने की बात कहा था। यह पाकिस्तानी मिलिटेंट मारा गया है, दो भागने में भाग गया ऑटो में बैठ के, सीसीटीवी कैमरा में दिख रहा है, लेकिन उसको भी हम लोग ट्रैक कर रहे हैं और हम लोग उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी विजय जी हजरत जैसा मैं भावना करता हूँ जम्मू कश्मीर पुलिस का, साथ ही श्रीनगर पुलिस का इंटेलिजेंस नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है। ये लोग सिविलियन पर अटैक करते हैं, पुलिस पर अटैक करते हैं और किस जो आम आदमी को इनोसेंट पर अटैक करते हैं और बोलते हैं ये मुखबिर है, जो सरासर गलती है। आप लोग हरदम पेशेंस देते हैं, हम लोग को भी प्लेस हो जैसे आज वहाँ का मस्जिद बात हुआ, श्राइन बोर्ड का कुछ डैमेज नहीं हुए, ना कुछ नहीं कोई डैमेज हुआ, ना कोई इंजर्ड हुआ, बहुत कलेक्टर डैमेज को मेंटेन करते हुए हम लोग पाकिस्तानी मिलिटेंट हो या लोकल मिलिटेंट को उसको हम लोग ब्लैक कर। विजय जी रिलीजियस प्लेस है हजरतुल मानी, जानबूझ कर यहाँ किया, इसका मकसद था कि चाहे जो पुलवामा में मस्जिद की बात हो या श्राइन का है, इसमें घुस जाए, सिक्योरिटी फोर्स के साथ एंगेजमेंट करे, न्यूज फैलाए और लोगों को धार्मिक भावनाओं को भड़काए, लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करे। हम लोग कामयाब नहीं होने, आइडेंटिफाई कर ले, उमर तेली था लड्डू पामपोर का, लश्कर तो वहां से रखता है, बिलोंग करता है, उसको बहुत जल्दी इंटरच कर देंगे, कर दिया हो। इसमें दोनों एंगल्स देख रहे हैं, टेरर क्राइम के एंगल से भी देख रहे हैं, हो सकता है आपसी किसी झगड़ा हुआ हो, कोई मर्डर कराया हो, दोनों एंगल से हम तफ्तीश और जा रहे हैं।